नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस पर पटना में समा बांधेंगे नामचीन सितारे। बिहार को अगले 2 साल में मिलेंगे इतने नए हाईवे और पुल। फिर से आए राजनीतिक दोस्त, एक साथ हो गया लालू और शरद यादव का विलय। अब डीएल या आधार की जरूरत नहीं। इस बार की गर्मी तोड़ेगी पिछला सभी रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस पर पटना में समा बांधेंगे नामचीन सितारे। बिहार दिवस पर इस बार भव्य आयोजन होने वाला है। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत ही 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बिहार दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश खुद करने वाले हैं। इस दौरान लेजर शो के माध्यम से बिहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर पुस्तक मेले का भी आयोजन होगा। वहीं इस दौरान मशहूर सिंगर कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज और सुखविंदर सिंह अपने गायन से समा बांधेंगे, जबकि SKMA महमूद फारूखी कर्ण कथा सुनाएंगे। जबकि इसके अलावा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को गजल गाते आप देख सकेंगे। वहीं ठुमरी गाने सुरेंद्र शर्मा आने वाले हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म आज ही के दिन यानी कि 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान वो नाम है जिसे अक्सर उस्ताद की उपाधि में जाना जाता है। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो ओब वर्ग का एक उपमहाद्वीप वायु वाद्य यंत्र था, जबकि शहनाई को पारंपरिक समारोह में मुख्य रूप से बजाए जाने वाले लोक वाद्य यंत्र के रूप में महत्व दिया जाता है। खान को इसकी स्थिति को ऊंचा करने और संगीत कार्यक्रम के मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद तीसरे शास्त्रीय संगीतकार भी वो बने थे। इसके साथ ही हाल ही में गूगल ने उनके 102वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर सम्मानित भी किया था। बिहार की अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार। कोरोना के 3 लहरों के बाद बिहार समेत देशभर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर अर्थव्यवस्था पटरी पर कभी वापस सामान्य रूप से लौट पाएगी भी या नहीं। लेकिन राहत की खबर यह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इस साल बिहार सरकार ने पिछले साल के 2,18,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 2,37,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार पर राजस्व बढ़ाने का दबाव है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही दिसंबर में समाप्त हुई है, इसके रिपोर्ट आ गए हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार तीसरी तिमाही में राजस्व में उछाल आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% अधिक है। सरकार को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में बिहार का राजस्व बेहतर हो जाएगा। बिहार को अगले 2 साल में मिलेंगे इतने नए हाईवे और पुल। आने वाला साल बिहारवासियों को जाम मुक्त हो सकता है, क्योंकि बिहार में लगातार सड़कों को सुदृढ़ करने में जुटी बिहार सरकार अब अगले साल तक कई नए सड़क हाईवे और कई नए सड़कों का तोहफा देने जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले 2 साल में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आधा दर्जन से मेगा पुल और प्रोजेक्ट अस्तित्व में आ जाएंगे। इनमें कई परियोजनाएं पटना से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। इनके पूरा होने से पटना और आसपास के जिलों की यातायात व्यवस्था भी और ज्यादा सुधरने वाली है, जिसमें वर्तमान समय में सबसे अहम पटना और हाजीपुर के बीच स्थित महात्मा गांधी सेतु को माना जा रहा है। उम्मीद है कि मई में गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लाइफलाइन के रूप में गांधी सेतु को माना जाता है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने जूनियर इंजीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर के कुल मिलाकर 81 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nbccindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। हृदय रोग से पीड़ित 267 बच्चों को बिहार सरकार ने दिया नया जीवनदान। बिहार सरकार बीते कुछ समय से उन बच्चों का इलाज जोर शोर से करवा रही है जो जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित है। इसमें खास बात यह है कि बिहार सरकार इन सभी बच्चों का इलाज मुफ्त में करवा रही है, जिसके तहत अब तक 267 बच्चे स्वस्थ भी हो गए। इस संबंध में IPRD बिहार ने बीते दिन अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की है, जिसको लेकर CM नीतीश कुमार ने भी कहा कि किसी किसी बच्चे का जन्म होता है जो पता चलता है कि उसके हृदय में छेद है। ऐसे में बच्चे के साथ पूरे परिवार के लिए बड़ी समस्या हो जाती है।
तब हम लोगों ने इसके लिए उपाय किया, अहमदाबाद के एक अस्पताल से एग्रीमेंट किया, यहाँ से बच्चों को इलाज के लिए वहाँ भेजा जाता है और वहाँ मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने किया प्रभारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति। बिहार विधान परिषद चुनाव के आयोजन में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है, जिसको देखते हुए ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसी बीच स्थानीय निकाय कोटे से हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने बीते दिन प्रभारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उनकी तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पर्यवेक्षकों से कहा गया है कि वो अभी से लेकर चुनाव संपन्न होने तक अपने क्षेत्र में रहकर एनडीए के सहयोगियों के साथ समन्वय कर जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में सहयोग करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जदयू कोटे की सभी 11 सीटों पर दल के वरिष्ठ साथियों को प्रभारी और पर्यवेक्षक का दायित्व दिया गया है। जदयू कोटे की 11 सीटों के साथ ही सभी 24 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करनी है। इस बार की गर्मी तोड़ेगी पिछला सभी रिकॉर्ड। बिहार में गर्मी का सितम तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मार्च के महीने में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। राजधानी पटना सहित राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। कई जिलों में तापमान 40 के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हालत ऐसी ही बनी रहेंगे, यानी कि गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार जा सकता है। 21 मार्च के बाद लू चलने तक की संभावना है। IRCTC की तरफ से मुंगेर स्टेशन से चलाई गई आस्था सर्किट। IRCTC ने अब लोगों को दक्षिण भारत के दर्शन कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ही आस्था सर्किट बीते दिन चलाई गई है। इसी क्रम में भारत दर्शन ट्रेन मुंगेर स्टेशन से जय श्री राम के जय घोष के साथ खुली। ट्रेन के एक कोच को मंदिर का स्वरूप दिया गया। साइड अपर बर्थ भगवान की मूर्तियां रखी देखी गई। सबसे खास बात यह है कि आस्था सर्किट में सफर करने वाले यात्री रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मुदेरा जैसी तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। वरीय पर्यवेक्षक मनीष कुमार और दीपांकर मन्ना ने बताया है कि ट्रेन से सफर करने वालों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसके तहत ये ट्रेन मुंगेर स्टेशन से रविवार को खुली है। ट्रेनों में कंबल के लिए भी करना पड़ेगा और इंतजार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार के ट्रेनों में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही भले ही बेड रोल देने की व्यवस्था फिर से बहाल करने का ऐलान किया गया हो, लेकिन अभी भी बिहार से परिचालित होने वाली ट्रेनों में कंबल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अनुपालन में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ियों में लिनन आपूर्ति के लिए तैयारियां कर ली गई है। इस जोन से चलने वाली ट्रेनों में लिनन आपूर्ति का कार्य 21 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे की 54 गाड़ियों में 78 रैकों में यात्रियों को लिनन उपलब्ध करवाया जाता है। ये सुविधा केवल वातानुकूलित कोच के यात्रियों को ही दी जाती है। रेलवे ने अलग अलग ट्रेनों में यह सुविधा मिलने के लिए अप्रैल के मध्य तक इंतजार करने की बात कही है। मधुबनी के नौलखा महल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस महल का मुख्य आकर्षण महल का हाथी पर बनाया जाना है। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना है। जहां जहां भी पिलर की जरूरत थी, वहां वहां विशाल हाथी बनाया गया और इसके ऊपर पूरे महल को एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया है। 1934 में आए भूकंप में यह महल तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जो उसके बाद दरभंगा राज के 22वें महाराजा कामेश्वर सिंह ने पुनः इसे सवारा, लेकिन 1988 में आई भयंकर भूकंप में यह महल फिर से ध्वस्त हो गया। वर्तमान में महल के भग्नावशेष अभी मौजूद है। ईशान किशन ने दिखाया मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की सबसे पसंदीदा जगह। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारी तेज कर दी और इस सीजन अपने मुकाबले के लिए लगभग तैयार है। आईपीएल 2022 नीलामी में सबसे महंगे बिके पटना के ईशान किशन भी अपने फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस में जुड़ गए हैं। फ्रेंचाइजी में खिलाड़ियों से घुलने मिलने के बाद ईशान किशन ने फैंस के लिए मुंबई एरिना को दिखाया, जहां मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ज्यादातर समय आएंगे। मुंबई इंडियंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हम एक बड़ी स्क्रीन, फुटबॉल एरिया, वॉलीबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्ट और खिलाड़ियों के खाने पीने की एक भव्य व्यवस्था देख सकते हैं। मुंबई इंडियंस द्वारा जारी किए गए वीडियो में ईशान किशन गोल्फ खेलते हुए नजर आए हैं। बिहार में आए कोरोना के 5 से कम मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 42 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना, पूर्णिया और अररिया में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। 2 दशक बाद सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन की हुई रिकॉर्ड बहाली। बिहार में लगभग 2 दशक के बाद सरकारी अस्पताल लैब टेक्नीशियन से लैंस होने वाले हैं, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद ही रिकॉर्ड बहाली की गई, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। बीते दिन मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हुई है। प्रदेश में लगभग 23 वर्षों के बाद लैब टेक्नीशियन के पदों को भरा गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसंचित 1160 लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में की गई।
गई है। इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच में आसानी होगी और आर्थिक बोझ में भी राहत मिलेगी। भाजपा के खिलाफ सहनी ने बनाया मास्टर प्लान। बिहार एनडीए में इन दिनों भाजपा और वीआईपी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। कहने को तो दोनों पार्टी एक ही दल का हिस्सा है, लेकिन इनके मनभेद की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। वहीं इनकी लड़ाई भाजपा की तरफ से बोचहा सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही और ज्यादा तेज हो गई। अब आमने सामने की ये लड़ाई हो गई है, जिसके जवाब में ही बीते दिन मुकेश सहनी ने नया प्लान तक बना लिया है। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी बोचहा उपचुनाव को लेकर एक साथ आ सकते हैं। राजद के विश्वस्त सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच इसे लेकर बातचीत हो चुकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो अमर पासवान राजद के टिकट पर बोचहा में उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के अंदर मंत्री रहने के बावजूद सहनी तेजस्वी के साथ हाथ मिलाकर भाजपा को चुनौती देंगे। फिर से आए राजनीतिक दोस्त, एक साथ हो गया लालू और शरद यादव का विलय। जिस बात को लेकर बीते कई दिनों से मीडिया में चर्चाएं रही थी वो सही साबित हुई। पूर्व सांसद शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल का राजद में विलय कर दिया। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नई दिल्ली में आयोजित विलय समारोह के दौरान LJD को राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2018 में जदयू से अलग होकर शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक नई शुरुआत है, ये विलय व्यापक एकता के लिए पहला कदम है। हमने अपनी पहल कर दी है, पूरे देश के विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। इसके साथ ही शरद यादव ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य भी बताया था। मुकेश सहनी को अब मिला जदयू का साथ। बिहार एनडीए में शामिल भाजपा और वीआईपी के बीच की लड़ाई भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन राहत की बात यह है कि सहनी को एक के बाद एक अपने ही दल में शामिल पार्टियों का साथ मिल रहा है। हाल ही में हम पार्टी की तरफ से सहनी को मिले सपोर्ट के बाद अब जदयू भी सहनी का साथ देती नजर आई है, जिसके तहत ही जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को इस सीट पर प्रत्याशी देने के पहले भाजपा को मुकेश सहनी को विश्वास में लेने की बात कही है। बोचहा सीट को लेकर एनडीए में तनातनी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के बीच जो विवाद है उसे जल्द सुलझा लेना चाहिए। परिवार का अगर कोई व्यक्ति नाराज होकर घर छोड़ने की बात करे तो यह ठीक नहीं है। सीपीआई नेता चंद्रकेतु शर्मा ने दुनिया को कहा अलविदा। बीते दिन सीपीआई नेता चंद्रकेतु शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से घातक बीमारी से जूझ रहे थे और अंततः बीते दिन लगभग 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। राम नरेश पांडे ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा है कि कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ ही चंद्रकेतु शर्मा का योगदान अद्वितीय रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रकेतु शर्मा 1965 में बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री KB सहाय सरकार के विरुद्ध छात्र आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। धीरे धीरे वो सिर्फ सीतामढ़ी जिले के ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। बिहार में जहरीली शराब मामले ने फिर पकड़ा तुल। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का मामला गरमाने लगा है। होली के मौके पर ही अलग अलग जिलों में कई लोगों की जान जाने की खबर आने के बाद इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब हमलावर हो गई है। इसके तहत ही बीते दिन राज्य के प्रमुख विपक्षी राजद के विधान पार्षद रामबली सिंह ने कहा कि सरकार शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरी तरह फेल है। इसके चलते राज्य और राज्य के लोगों को तरह तरह के नुकसान हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार अगर शराबबंदी को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही तो इसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रणनीति तय करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार ने भी बीच बचाव किया है, जिसके तहत ही भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि शराब पीने और बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी बिहार में चलाएगी सदस्यता अभियान। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब बिहार में है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी बिहार में सदस्यता अभियान को तेज करने वाली है। सदस्यता अभियान को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने अब अपने जिला और प्रदेश इकाई में सक्रिय सदस्यों के साथ जूम ऐप पर सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर के रविवार को बैठक की और पूरे प्रदेश में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन करवाया गया। साथ ही साथ इसमें निर्णय लिया गया है कि सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रदेश स्तर पर जिला और प्रदेश पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में की जाएगी। अगले सप्ताह टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से अब बिहार में राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटने वाली है। भाजपा ने सहनी को दिया आखिरी मौका। भाजपा और मुकेश सहनी की लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। हालांकि इस लड़ाई को मुकेश सहनी ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन भाजपा अभी भी सहनी को मौका देने की जुगत में लगी हुई है। यही कारण भी है कि भाजपा एक के बाद एक मौका सहनी को दे रही है। इसके तहत बीते दिन मुजफ्फरपुर सांसद और भाजपा प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है तो बोचहा में भाजपा उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करना होगा। ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर इसके बाद भी वो बागी रुख रखते हैं तो गठबंधन के अलावा सरकार से भी अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ सकती है। मुकेश सहनी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपनी गलती स्वीकार करें और माफी मांगे।
रजौड़ा की घटना पर इंसाफ की भीख मांगेंगे गिरिराज। अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले गिरिराज सिंह अब रजौड़ा की घटना पर नई मुहिम को शुरू करने वाले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि स्कूल में दो बच्चों के मामूली विवाद से शुक्रवार की शाम मुफस्सिल थाना के रजौड़ा गांव में एक पक्ष के लोगों ने दुकान पर हमला कर दुकानदार समेत कई लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से गांव में अभी भी तनाव का माहौल है। इस मामले में भी अब गिरिराज सिंह सामने आ गए हैं। गिरिराज सिंह ने घटना में घायल हुए लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण समाज की शांति भंग हो रही है, समाज में सामाजिक समरसता टूट रही है। अगर न्याय नहीं मिला तो गांव जाकर इंसाफ के लिए भीख मांगूंगा। अब डीएल या आधार की जरूरत नहीं। आने वाले समय में अब आपको अपने डीएल या आधार कार्ड की जरूरत अपने पास रखने की नहीं होगी, क्योंकि डीजी लॉकर ने 10 करोड़ यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है जहां आप अपने दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पॉलिसी दस्तावेज इत्यादि स्टोर कर सकते हैं। डीजी लॉकर अकाउंट के लिए साइन अप करते समय आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। आपको एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस यहां पर मिलता है जो आपके आधार नंबर से जुड़ा होता है। या तो डीजी लॉकर के जरिए आपको अपने डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं होती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। तत्कालीन बैंगलोर पर टीपू सुल्तान को पराजित कर अंग्रेजों की सेना ने 1791 में कब्जा किया था। कोलकाता में 1836 में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई, अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सैनिकों ने 1858 में लखनऊ में आत्मसमर्पण किया। मुंबई में 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1971 में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। 1916 में महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। 1978 में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी जी का जन्म हुआ। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक केशव प्रसाद मिश्र का 1952 में निधन हुआ। आज ही के दिन को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब इन भाषाओं में रिलीज होगी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स का तूफान बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म को दर्शकों का जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे फोटोज और वीडियो सामने आए हैं जहां फिल्म को देखने के बाद दर्शकों के आंसू नहीं रुके हैं। बता दें कि अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फिल्म सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हुई थी, लेकिन अब दर्शकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। फिल्म को अन्य रीजनल भाषाओं में डब किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब की जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं रंजीत सिंह, गौतम कुमार, राजू रजक, जितेंद्र रविदास, ऋतु कुमारी, रिंकी कुमारी, सनी राज, मुकेश कुमार, रणधीर कुमार, जूही कुमारी, सीता देवी, सरोज पंडित, प्रिंस कुमार, राजा कुमार, नीतीश कुमार, विकी शर्मा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शरद यादव की एलजेडी और लालू प्रसाद यादव की राजद की एक साथ आने के बाद क्या बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।